अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। ज़ायरा वसीम एक बहुत ही उम्दा एक्ट्रेस हैं। अभी तक दो पिक्चर्स उनकी रिलीज हुई हैं और दोनों ही पिक्चर्स में उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है और दोनों ही पिक्चर्स यूथ को मोटिवेट करने वाली, यूथ पर फोकस करने वाली और एक मैसेज गिविंग मूवीज रही हैं। हमने देखा है कि उनकी परफॉर्मेंस में कभी भी कोई कमी नहीं रही, वो पूरी तरह जस्टिफाई करती हैं अपनी जॉब को। अभी न्यूज के माध्यम से पता चला कि वो बॉलीवुड इंडस्ट्री, एक्टिंग इंडस्ट्री को क्विट करना चाहती हैं। मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, जबरदस्ती उनको फोर्स किया जा रहा है कि वो बॉलीवुड इंडस्ट्री को छोड़ दें। क्योंकि इस्लाम में मुट्ठी भर कुछ लोग ऐसे हैं जो अगर किसी महिला को अपने दम पर, अपने बलबूते पर, अपने टैलेंट के माध्यम से आगे बढ़ता हुआ देख लें तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। या तो उनके तौर तरीकों से चला जाए, नहीं तो ये जो आज हुआ है उसका रिजल्ट यही होता है। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि सरकार बहुत ही ज्यादा मजबूत है। पहली दफा हिंदुस्तान में इतनी मजबूत सरकार आई है, तो ज़ायरा वसीम जी के साथ पूरा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की सरकार और तमाम मुसलमान समाज आज खड़ा हुआ है। उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। अल्लाह नहीं सिखाता कि आप अपने सपनों को ना जिए, आप बेखौफ होकर अपने सपने जिए, अपना करियर बनाए, इस्लाम कभी मना नहीं करता। खुदा तो और ज्यादा खुश होता है जब उनका बच्चा तरक्की करता है। पर मुझे पता है इस्लाम में, मुसलमान में अगर कोई महिला आगे बढ़ जाए, पब्लिक फिगर बन जाए, तो उसको किस प्रकार सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जाता है, ये मैं पूरी तरह समझती हूँ। पर फिर भी आपको डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। शायद ये आपकी परीक्षा है, देखते हैं आप कितना आगे बढ़ते हैं। पूरी आशा रहेगी हमारी कि आप आने वाली पिक्चरों में हमें नजर आएंगी। धन्यवाद।